अल्लाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाजिन आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है खैर मक़दम है अल्लाह ताला आप सबों को खुश रखे आज एक बार फिर हम यहाँ जमा हैं अपने मेहमान शेख अब्दुल करीम मदनी साहब के साथ आइए हम सब मिलकर शेख का पहले इस्तकबाल करते हैं उसके बाद इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएँगे वालेकुम वरहा शेख आपका इस्तकबाल अल्हम्दुलिल्लाह आपने वक्त दिया नाजिन आज का जो हमारा सवाल है या दूसरे अल्फाज में जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे जिस मसले पर बात करेंगे वो मसला है या अली मुश्किल कुशा कहना हमारे बहुत सारे अहबाब हैं जो या अली मुश्किल कुशा का नारा लगाते हैं वहीं दूसरी तरफ बहुत से मुसलमान ऐसे हैं वो भी मुसलमान हैं वो इसके कायल नहीं हैं तो ये इख्तलाफ जो है इनशाला इससे मुतल हमारी गुफ्तु होगी आइए शेख से जानने की कोशिश करते हैं ये शेख जैसा मसला आपने सुना तो इस हवाले से क्या हकीकत है الحمد لله رب العالمين वाल्मी للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين इस तरह के जो अल्फाज हैं जो चीज़ें अल्लाह अल्ह रब्ज़त की ख़ुसूसियात में से हैं, यानी जो उसके साथ ख़ास है उस चीज़ को किसी दूसरे से तलब करना या उसमें मानना ये आदमी को तोहद से शिर्क की तरफ ले जाता है नहीं तो अगर उसका अकदा नहीं है किसी और वजह से कह रहा है तो कम से कम नाजायज़ हराम तो ज़रूर होता है कि दूसरे लोगों को वो एक गलत पैगाम दे रहा है और इससे बहुत सारे लोग गुमराही का शिकार हो सकते हैं अल्लाह अल्लाहब ने कुरान शरीफ में एक जगह नहीं दसियों जगह ये कहा है कि मुसीबतों का दूर करना परेशानियों को हल करना और मुसीबत में घिरे हुए आदमी को मुसीबत से निकालना यह किसी और का काम नहीं है मेरा काम है यानी मुश्किल कुशा सिर्फ वसीब अल्लाह ताला, ताला फरमाता है युजीबुल मुशर्रजादा हो यफु मुसीबतों में घिरे हुए आदमी को मुसीबतों से कौन निकालता है जब वो उसको पुकारता है और उसकी परेशानी को कौन दूर कर देता अल्लाह रब्ज़त पूछता है अल्लाह रब्बुल रब्ल के साथ यानी अल्लाह रब्ज़त भी है और दूसरे भी हैं क्या कलील करोन और इसी तरह के अल्फाज़ कुरान शरीफ में जगह जगह और ये बात बताने के लिए कि मुसीबतों से छुटकारा दिलाना मुसीबतों में मुश्किल कुशाई करना हाजत रवाई करना ये सिर्फ अल्लाह का काम है अल्लाह के अलावा अपने बल पर या अल्लाह के दिए हुए बल पर माफोकल फितरी ताकत के तहत किसी को मुसीबत से निकाल लेना उसकी मुश्किल कुशाई करना यही अकीदा मुशरकिन मक्का का था जी। वो भी अपने इन बुतों को जिनको पूछते थे पत्थर की शक्ल में ये नहीं समझते थे कि ये पत्थर कर देता है ऐसा उस पत्थर में कोई करामत और कोई ताकत नहीं मानते थे लेकिन ये पत्थर जिसके नाम पर रखा हुआ है यहां जिसकी ये नुमाइंदगी कर रहा है उसके अंदर ये ताकत है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों का अकीदा भी अपने बुजुर्गान दीन के बारे में यही है वो हनुमान को संकट मोचन कहते हैं संकट मोचन का वही माना है मुश्किल कुशा तो शेख मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह ताला है इससे मुतल कितनी दलीलें होंगी कुरान में और हदीस में कितनी चाहिए तब आप मानेंगे अमल के लिए तो एक ही काफ़ी है एक काफ़ी है तो इतना काफी है कुरान शरीफ में जब एक जगह अल्लाह इज़्ज़त ने कह दिया अल्लाह इज़्ज़त के अलावा कोई न किसी को नुकसान पहुँचा सकता है ना नफा पहुँचा सकता है अच्छा इस ताल्लुक से सहाबा का क्या क़ीदत था जो अकीदा रसूल अक्रम का था जो अकीदा कुरान में बयान किया गया सहाब कराम का अलग से अकीदा थोड़ी होता हजरत अली आज के जमाने के है की सहा कर बताइए सहा ही छोटे हजरत अबू बकर से, से साहब कराम में से कोई सहाबी हजरत अली को अली मुश्किल कुशा कहता था तो हमारे भाई फिर क्यों कहते है या अली मुश्किल कुशा ये क्यूँ एक बड़ा तबका है शेख जो ये नारा लगाता क्यों कहते है कहते है हैं वो एक मसला ये है कि असल अकीदा है क्या तो असल अकीदा ये है कि मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह इज़्ज़त है उसके अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है और मुश्किल कुशा वो होता है जिस पर कभी मुश्किल ना आए और जो सबकी मुश्किलें हल करे और उसको अपनी मुश्किल के लिए किसी की मदद लेने की जरूरत ना पड़े जिस पर खुद मुश्किलें आए एक खत्म हो दूसरी शुरू हो जाए अपनी मुश्किल में दूसरों से मदद लेने पर मजबूर हो तो उसको मुश्किल कुशा नहीं कहते वो मुश्किल कुशा नहीं है मुश्किल कुशा तो तब होता है जब उस पर खुद मुश्किल ना आती उस पर खुद मुश्किल आ जाती है तो वो कैसे मुश्किल कुशा ही करेगा पहले अपनी मुश्किल तो दूर करे तब किसी दूसरे की मुश्किल दूर करेगा तो इस्लाम ने यह अक़ीदा दिया है कि मुश्किलों से निकालना अल्लाह का काम है तो यह अली मुश्किल कुशा कहना या ऐसा अकीदा रखना एक क्या यह अली मुश्किल कुशा कहने वाला अगर ये अक़ीदा रखता है क्या हजरत अली रज़ी अल्लाह तु को जहाँ जिस वक्त और जिस जुबान में भी पुकारा जाए तो वो आते हैं और मुश्किल हल कर देते हैं और हर जगह से वो यकसा तौर पर उनको पुकारने वालों की पुकार सुनते हैं तो ये आदमी मुशरक़ है और ये अकीदा मुशरक है और अगर ये अकीदा रखता है कि हज़रत अली अल्लाह इज़्ज़त की दी हुई ताकत से लोगों की मुश्किल हल कर देते हैं जो अल्लाह चाहता है तो ये तावील के ज़रिए एक गलत बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है ये अक़ीदा हराम है क्योंकि अल्लाह इज़्ज़त ने किसी को माफोक़ल फित्री ऐसी ताकत दी ही नहीं तुझे कैसे पता चला कि हज़रत अली को दी हुई है सही। एक गैर साबित बात को बुनियाद बनाकर उस पर महल तामीर कर रहा है हज़रत अली जब अपने दौर में जब वो थे तो क्या उन पर कोई मुसीबत नहीं आई या किसी की मदद उन्होंने नहीं लिए या जब वो थे तो उनके दौर में जो सहबा थे वो ऐसा अक़दा रखते थे इस तलु से कोई ऐसा अक़ीदा साहब कर राम में रखे है ये साहब कर राम की शान में बहुत ज़बरदस्त गुस्ताखी है वो बद नहीं थे वो सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा करते थे और रसूल क्रम सल वसम को भी कहा गया वो खुद रसूल ने इस बात का इजहार किया और क़ुरान ने उसको नकल किया है जी। कि अगर अल्लाह इज़्ज़त किसी को पकड़ ले नियम ससलाजुरफला का शिफ़ल इल्लाहु क्या माना है इसका अल्लाह इज़्ज़त किसी को किसी मुसीबत में गिरफ्तार कर दे तो किसी की ताकत नहीं है उस मुश्किल से निकाल सके उसको न नबी की न वली की न पीर की न पैगंबर की न शहीद की न बुजुर्ग की न छोटे की न बड़े की किसी की नहीं इल्लाहू इल्ला वही जब निकालना चाहे तभी निकलेगा उससे पहले नहीं निकल सकता अब देखिए अब यह करीम की ज़िंदगियों को जब उन पर मुसीबत आई वो नबी थे रसूल थे और उनसे पहले बहुत से नबी गुजर चुके थे ना कोई मदद के लिए आया ना उन्होंने किसी को पुकारा सिर्फ़ अल्लाह को उन्होंने आवाज़ दी और उसी के सामने अपना मसला रखा तो शेख जब इस तरह की बातें कुरान में हैं और ऐसे पैगाम हैं तो एक बड़ा तबका इसमें मुलविस है तो क्या ख़ास पैगाम देंगे और वो कौन सा तरीक़ा अपनाया जाए कि इख्तलाफ़ ख़त्म हो लोग तो की तरफ आएँ भाई अगर ये ख़त्म नहीं होता है यह मसला अकीदे का है तो इसमें कोई मुदाहनत नहीं बरती जाएगी दावत तोहीद की दी जाएगी शिर को शर शिर्क कहा जाएगा और इसमें किसी तरह की लचक नहीं दिखाई जाएगी अल्लाह इज़्ज़त ने इस बात को कह दिया है हजरत यून सल सलाम पर मुसीबत आई मछली उनको निकल गई समंदर की तह में बैठ गई मुसीबत आई हुई है परेशानी आई हुई उनसे पहले बहुत से नबी गुज़र चुके हैं और उस वक्त भी नबी मौजूद थे उन्होंने पुकारा क्या किसी को ला लाता ला सुबह न कितु मिनमिन और क़ुरान कहता है अल्हरबुल्ज़त कहता है अगर हमारे यूनुस ने ये दुआ ना पढ़ी होती और इस दुआ के ज़रिए हमें ना पुकारा होता ललब सफ़ी बतन ही इलाइयों में तो मछली के पेट में क़यामत तक फंसा रहता कोई उसको वहाँ से आज़ाद कराने वाला नहीं था अल्लाह खैर शेख बहुत बहुत शुक्रिया ना देखा आपने इस मसले से मुतालिक कई अहम बातें हमारे सामने आई चूँकि वक्त है इसी से जुड़ा एक और सवाल है एक और मसला है और वो मसला है या गौस का नारा बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो गाहे बगाहे ये नारा लगाते हैं या गौस या गौस और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसको नहीं मानते हैं या ये नारा नहीं लगाते हैं तो ये भी एक ऐसा मसला है जो मुख्तलफ है हम जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं कि इसमें हकीकत क्या है सच्चाई क्या है तो शेख अली रजी अल्लाह तचपन से किसी न किसी परेशानी में रहे रसुलकरम सली वम के साथ रहे और यहाँ से हम बाकी ज़िंदगी के जो वाक़ और सबकी चीज़ें हैं उनको छोड़ देते हैं अल्लाह अल्लाहबुल्ज़त ने उनको शजात बहादुरी, इस्तकामत, तकामत हौसला जो कुछ भी दिया था वो आज के लोग नहीं साहब के भी मानते थे और उसका एतराफ़ करते थे और जब खैबर में आपने मरहब के मुकाबले में ये शेर पढ़ा था अनदी समतनी हैदरा कलई से गाबातिन करी हल मंदरा तो यूं ही नहीं पड़ा था और रसूल अक्रम ने जो ये फरमाया था कि कल मैं ऐसे आदमी के हाथ में ये झंडा दूंगा अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं और वो उनसे मोहब्बत करता है और उसके हाथ पर अल्लाह हरबुलज़त इस किले को फतह करेगा बहुत बड़ी फजीलत ये आपकी फजीलत भी है खसूसियत भी है और आपके लिए मंजिलत भी है लेकिन आप देखें जो भाई आज हमारे या अली मुश्किल कुशा कह रहे हैं अक्सरियत इनकी हम अपने सुन्नी भाइयों से ही मुखातब हैं शिया हजरात से नहीं हमारे सुन्नी भाई या अली मुश्किल कुशा कहते हैं ये अकीदा सुन्नियों का नहीं है और ना सुन्नियों के उलमा आइम्मा ने ये अकीदा कहीं किसी किताब में लिखा है और अगर किसी के किताब में इस तरह की बात लिखी हुई है तो उसकी सुन्नियत मशकूक है और वो छुपा हुआ शीह है हज़रत अली रज़ी तैालन जब खलीफा बनाए गए तरह तरह की परेशानियाँ आपके साथ रोज़ाना आने लगी आप चले गए वहाँ उसके बाद फिर देखिए दो बड़ी जंगें हुई खूर और उसमें भी जो नतीजे हुए वो वह हज़रतली रजी अल्लाह तनों के हंसब ख़्वाहिश नहीं रहे फिर आप उसके बाद देखिए हज़रतली रजी अल्लाह तमाज फज्र के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे और उनकी आदत मुबारक थी कि जब वो घर से निकलते थे नमाज के लिए तो लोगों को महल्ले वालों को रास्ते वालों को जगाते हुए चलते थे कि लोगो अजान हो गई नमाज के लिए चलो एक खारजी आपके इंतज़ार में एक दीवार के मोड़ से लगा हुआ छुपा खड़ा हुआ था आप तो जा रहे हैं मस्जिद के लिए लोगों को जगाते जा रहे हैं इसका फ़ायदा उसने उठाया अंधेरा था झुटमुटा था जैसे ही निकल के सामने आए हज़रत अली वो उस दीवार की आड़ से उछला और उसने खंजर मारा हजरत अली रजी अल्लाह और आप फुस्त काबा कहकर गिर गए आपकी आवाज़ सुनी लोगों ने काबा का एक खास पैगाम होता है अरब में लोग दौड़ पड़े कि अमीर उलमिन की आवाज आई है जब वहां जाकर देखा तो बहरहाल उसको पकड़ लिया गया था बाद में इससे बड़ी और कोई मुसीबत हो सकती है कौन है ये है कुशा। मुश्किल कुशा कहा जा रहा है ये है मुश्किल कुशा क्या मुश्किल कुशा पे ऐसी मुश्किल आ सकती है वो तो खुद दूसरों की मुश्किल दूर करने वाले होते तो जो खुद पे इतनी बड़ी मुश्किल आए और दूर ना कर सके और उस मुश्किल का शिकार हो जाए और जाए गवा बैठे उसको हम मुश्किल कुशा कहें और ये समझें कि वो हमारी मुश्किलें आके हल करेंगे इससे ज़्यादा बड़ी बदकीदगी और नहीं हो सकती फिर आप देखिए आपके दुनिया से चले जाने के बाद हजरत हसन के साथ जो कुछ हुआ बाप थे अगर मुश्किल कुशा थे तो मुश्किल हल करना चाहिए थी करबला के मैदान में कितना बड़ा मसला पेश आया करबला तो बाद में हुआ है पहले तो हजरत हसन के साथ जो कुछ भी हुआ है हाँ, वो भी बेटे थे फिर उससे भी पहले हजरत स्मान गनी रज़ी अल्लाह तहों को शहीद किया गया मदीने में हजरत ऊस्मान गनी आपके हमजुल्फ थे साडू थे आपके आप उस वक्त मदीने में थे हसन व हुसैन को उस्मान गनी की हिफाजत के लिए आपने भेजा था आप के मदीना में रहते हुए हसन व हुसैन के मदीने में रहते हुए उस्मान गनी का शहीद हो जाना क्या बताता है क्या हम ये मान लें कि आप मुश्किल कुशा थे मुश्किल हल कर भी सकते थे लेकिन जानबूझकर आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्ला तु को शहीद हो जाने दिया क्या किसी भी मुसलमान के दिल में ईमान है और हज़रत अली से मोहब्बत करता है क्या ऐसी बात गवारा करेगा वो फिर उसके बाद आप देखिए करबड़ा के मैदान में हज़रत हुसैन इब्न अली आपके ख़ानदान के, के शीर बच्चे और कई लोग बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिए गए हज़रत अली मुश्किल कुशा हैं किस काम की है ये मुश्किल कुशाई जो अपनों के काम ना आए जो नवासा रसूल के काम ना आए अपने जिगर गोशा के काम ना आए फातमा के जिगर गोशा के काम ना आए क्या फ़ायदा है इस मुश्किल कुशाई का अगर आप मुश्किल कुशा होते तो क्या यहाँ पर ना आते आप और इन जालिम कोफियों को कैफर किरदार तक ना पहुँचाते आप इसका मतलब है कि हजरत अली रजी अल्लाह तु मुश्किल कुशा नहीं है मुश्किल कुशा तो सिर्फ एक अल्लाह है उसके अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है और ये जो कुछ भी हुआ हजरत ऊस्मान गनी के साथ हजरत हसन के साथ हजरत हुसैन के साथ और अफराद बतते रसूल के साथ करबला के मैदान में सब अल्लाह की मंशा और मर्जी के मुताबिक हुआ क्या मसले हत थी उसकी वो जानता है शेख आपने तो आंखें खोल दी वाकई ये तो बड़ी बदअकीदगी बड़ है बहुत बड़ा गुनाह है इस तरह का अकीदा रखना ये सारी चीज़ें फिर ये अख्तिलाफ़ क्यों शेखो कैसे इसका ख़ात्मा होगा ये इख्तलाफ है नहीं ये बदअकीदगी है मुसलमानों को अकीदा अपने रसूल से कुरान से हदीस से सब कराम से लेना चाहिए किसी इमाम ने हज़रतली रजी अल्लाह तहों को मुश्किल कुशा नहीं कहा चारों इमामों में से उनकी किताबें उनके शागिर्दों की किताबें जो उनकी हिदायत की रोशनी में लिखी गई हैं हज़रत अली का नाम एक बार नहीं सैकड़ों बार आया है लेकिन किसी जगह भी उनके नाम के साथ मुश्किल कुशा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया आज जो सुन्नी बेखबरी में अपनी जहालत की बिना पर लाइलि की बिना पर शियों के गलत प्रगिंडे की वजह से या अली मुश्किल कुशा या या अली तोड़ दुश्मन की नली इस तरह के जो नारे लगा रहे हैं ये जाहिलाना नारे हैं और इनका शरीय इस्लामिया से दीन से मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है ये सरासर गैर इस्लामी गैर शरी नारे हैं अल्लाहबुलजत हमें और आपको इस तरह के नारों से बचाए और अपोहीद को दुरुस्त करे और परवरदिगार हमारी हिफाजत फरमाए जब से हमने अल्लाह हरबुल्जत को मुश्किल गशा मानना छोड़ दिया और बंदू को मुश्किल गशा मानने लगे तब से हमारी मुश्किलें दिन बदिन बढ़ती चली जा रही है जजाकल्ला खैर शेख बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम देखा आपने शेख ने इस मौजू के हवाले से कई अहम और मुफ़ी बातें हमारे सामने रखी हम शेख के शुक्र हैं दुआ भी करते हैं शेख के लिए नाज़िन हम आप सब के भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमसे मुसलसल जुड़े हैं देख रहे हैं सुन रहे हैं अल्लाह ताला हम सबों को हुसन अमल की तोफ़ी कता फरमा और ऐसी बदअीदगी से और ऐसे गुनाह कबीरा से और ऐसे मुशरिकाना अकैदे से हम सबको महफूज रख बहुत बहुत शुक्रिया इन फिर मुलाकात होगी एक नए अपिसोड के साथ असलकूल वरह वीन की बात आम करने में आई प्लस टी की मदद करें पे या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें